नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ। मोबाइल में हमारे जो इमेज रहती है उससे हम पीडीएफ कैसे तैयार करें। जब हम हमारे मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचते हैं तो वो इमेजेस को हम कलेक्ट करके उसका हम पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इमेजेस से हम पीडीएफ बहुत ही आसान तरीके से कैसे तैयार करेंगे। तो इमेजेस से पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके हम यहाँ टाइप करेंगे इमेजेस इमेज टू पीडीएफ, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। तो इनमें से जो डार्क रेड कलर का ऐप है इमेज टू पीडीएफ विडलैब का, वो हम यहाँ डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान ऐप है इस्तेमाल करने के लिए और 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड है और बहुत ही अच्छे फीचर है। तो चलिए हम इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर प्री जेपीजी टू पीडीएफ ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाने के बाद इस तरह से उसका लेआउट हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पहला फोल्डर है, उसके बाद इमेज का टैब है, उस पर क्लिक करने के बाद हम हमारे मोबाइल के गैलरी से भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई नोटबुक हो उसका हमें कैमरे से फोटो निकाल के सब इकट्ठा करके उसका भी हम पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फोन के कैमरे से हम हमारे नोटबुक में जो पेज है लिखे हुए उन सब का फोटो निकालते हैं। वो सब फोटो निकालने के बाद जिस सीरियल से हमें पीडीएफ के पेज चाहिए उस सीरियल से हम फोटो सिलेक्ट करेंगे या इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने जिस सीरियल से फोटो निकाले हैं उस सीरियल से मैं इमेज सिलेक्ट करता हूं। इमेज सीरियली सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लेआउट हमारे मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई देगा। तो फिर से बाद में हम एक एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसे अच्छी तरह से क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए है यहाँ मोबाइल में बाय डिफॉल्ट ढेर सारे रेशो अवेलेबल है, उसमें से हम 3x4 का रेशो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो उस इमेज के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ A4 साइज का नोटबुक का पेज है इसलिए मैंने 3x4 का रेशो यहाँ सिलेक्ट किया है। इस तरह से हम हमारे हैंड से भी या इस इमेज को हम ड्रैग कर सकते हैं, साइज में कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेकंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसे भी क्रॉप करेंगे, ओरिजिनल साइज इस तरह से दिखाई देती है और बाद अलग अलग रेशो में इस तरह से इमेज हमें दिखाई देती है। इसे भी हम 3:4 रेशो में सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा ड्रैग करके कम या ज़्यादा करेंगे उंगली से और बाद में हम अगली इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर से क्रॉप इमेज को टैब को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही प्रोसेस हम इस इमेज के साथ भी करेंगे, रेशो इसका सिलेक्ट करेंगे 3x4, बाद में हम इसे एडजस्ट करेंगे, इमेज थोड़ी बड़ी करेंगे, कॉर्नर इसके चेक करेंगे और बाद में हम इसे सिलेक्ट राइट क्लिक करेंगे। इस तरह से इमेज हमारे सिलेक्ट हो चुकी है। नीचे दिए गए टैब कन्वर्ट टू पीडीएफ, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये सब इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से हम आई टैब पर जब क्लिक करते हैं तो हमारी पीडीएफ कैसे दिखेगी इसका प्रीव्यू हमें यहाँ से हम देख सकते हैं। बाद में ये सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेटिंग में हम फाइल का नेम जो हम पीडीएफ बनाने वाले हैं उसका रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए कॉम्प्रेस से हम हमारे फाइल्स का साइज कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम पीडीएफ में मार्जिन भी इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे पीडीएफ को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ इम्पोर्टेंट हो, पर्सनल हमें भेजने हो तो हम इसको पासवर्ड अरेंज कर सकते हैं, पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने मार्जिन के टैब को इनेबल किया है, पासवर्ड को मैंने डिसेबल किया है।
कॉम्प्लेक्स इमेजेस को मैंने यहाँ इनेबल किया है, क्योंकि जब हम पीडीएफ बनाते हैं उसका साइज छोटा हो तो शेयर करने में आसान हो जाएगा। तो ये साइंस का पेज था, तो मैंने यहाँ साइंस पीडीएफ इस तरह से इसको रीनेम किया। सब सेटिंग करने के बाद हम यहाँ ओके टैब पर हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड वर यह हम डिसेबल कर चुके हैं। इस तरह से पीडीएफ तैयार होने जाने के बाद स्क्रीन पर शेयर, ओपन एंड क्लोज के टैब हमें दिखाई देंगे। इस तरह से हम शेयर टैब पर क्लिक करके हमारा पीडीएफ हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मेल पर सेंड कर सकते हैं, या हमारे ड्राइव पर हम गूगल क्लाउड स्पेस पे हम इसे सेव कर सकते हैं। जब बात अगली टैब सेव पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में डिवाइस में सेव हो जाएगा। इस तरह से हम मोबाइल में पीडीएफ सेव कर सकते हैं। इस पीडीएफ को हम ढेर सारे ऑप्शन से शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल में हम इसे सेव कैसे करेंगे। इसे सेव करने से पहले जब हम पीडीएफ ओपन करते हैं तो ऑफिस होता है, WPS ऑफिस होता है, इस सारे अदर एप्स की मदद से हम पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। WPS ऑफिस की मदद से जब हम पीडीएफ ओपन करते हैं तो इस पीडीएफ का हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे पीडीएफ का लिंक हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मेल से भी हम सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम WPS ऑफिस में हमारे पीडीएफ का लिंक जनरेट कर चुके हैं, और हम व्हाट्सएप पर जाके इसे हम इस तरह से सेंड कर सकते हैं। उसी तरह से हम इमेज टू पीडीएफ इस ऐप की मदद से ओनली पीडीएफ भी हमारे मोबाइल से हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कीजिए।